दोस्तों बहुत सारे न्यू बिगनर्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को बाजू के लिए सही से आर्म होल शेप बनाना नहीं आता है। जो हम बाजू के मुड्डे के लिए गोलाई बनाते हैं, राउंड शेप कटिंग करते हैं, तो बहुत सारे जो नए सीखने वाले होते हैं तो उन लोगों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है। जब वो गोलाई बनाते हैं तो उनसे गोलाई बिगड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ऐसी ट्रिक बताई है, ऐसा तरीका बता दिया है। तो इस वीडियो को देखकर आप कभी भी जब राउंड शेप बनाएंगे, अगर आपने इससे पहले कभी भी राउंड शेप नहीं बनाया है, कभी भी बाजू की गोलाई नहीं बनाई है, फिर भी आप इस वीडियो को देखकर पहली बार में ही सही से परफेक्ट राउंड शेप सही से बना पाएंगे। पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको भी आपको ध्यान से सुनना होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है, तो ज़्यादातर क्या होता है, हम एक साथ डबल बाजू कटिंग करते हैं, यानी दो बाजू कट करते हैं। तो इसी तरीके से आप दोनों बाजू एक साथ कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से बाजू की लंबाई का निशान लगाना है पहले। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका बाजू 2.5-3 इंच का है तब यह फार्मूला काम नहीं करेगा। 3 इंच के बाद आपके बाजू की जितनी भी लंबाई है सब पर यह फार्मूला काम करेगा। अगर आप छोटी बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं, शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे बाजू की लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14.5 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें, तो आपके बाजू की जितनी भी लंबाई है आप उससे 0.5 इंच ज़्यादा निशान लगाएंगे, क्योंकि 0.5 इंच हमारा यहाँ सिलाई में मार्जिन चला जाता है। और ऊपर जो हम मोहरी पर तुरपाई करते हैं उसके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। उसके बाद अब बारी आती है जो हम राउंड शेप गोलाई बनाते हैं वो हमने कितनी ऊपर आके बनाना है। तो देखिए, इसके लिए हमने 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। ये देखें, अभी मैं आपको आगे बताते हैं कि 3.5 इंच का निशान हमने क्यों लगाया है। तो पहले हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, उसके बाद इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो कलाई पर जितनी भी हमारी मोहरी आ रही है उसका हम हाफ निशान लगाएंगे। तो जैसे कि 10 इंच मोहरी है तो 10 का हाफ हो गया 5 इंच, इस तरीके से। तो देखिए, अब बारी आती है यहाँ पर राउंड शेप बनाने की, गोलाई बनाने की। तो देखिए, सबसे पहले हमको एक निशान लगाना है, आर्म होल कितना रखना है। तो जैसे कि हमको मुड्डा रखना है 9 इंच, यानी 9 इंच, तो हमने इस तरीके से 9 इंच का एक निशान लगा देना है। ये देखें, उसके बाद इस निशान को हम तिरछा कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखें, तो इस वीडियो को देखकर आप सीख पाएंगे परफेक्ट राउंड शेप सही गोलाई कैसे बनाएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल मुड्डा रखते हैं और ये निशान यहाँ से यहाँ तक कितने इंच पर लगाया जाता है, तो कल मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है किसी भी साइज़ के लिए मुड्डा कितना रखें और ये वाला निशान किस साइज़ के लिए कितना लगाएं। उस वीडियो में मैंने बाजू कटिंग के लिए पूरा फार्मूला बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने आर्म होल और मोहरी वाले को मिलाना है इस तरीके से। अब बात आती है परफेक्ट सही राउंड शेप कैसे बनाएं, सही से गोलाई कैसे बनाएं। तो देखिए, हमने यहाँ से आर्म होल का निशान 9 इंच का लगाया था। तो आपका आर्म होल कितना भी हो सकता है, 9 के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक जितना भी आ रहा है उसका हाफ करेंगे। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 9 आ रहा है तो 9 का आधा होता है 4.5। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4.5 का निशान लगा दिया। ध्यान से समझे मेरी बात को। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल इसका ये हाफ़ हो गया, उसके बाद हम इसका हाफ़ कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 4.5 हो रहा है, तो 4.5 का हाफ़ होता है 2.25। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना बन रहा है उसका भी हम हाफ़ कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक 4.5 है, तो इसका हाफ़ भी 2.25 होता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा। पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाफ़ किया, तो देखिए 9 इंच का 4.5 हाफ़ ये हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना बनता है उसका हाफ़ किया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना हाफ़ बनता है उसका हाफ़ निशान लगा दिया। उसके बाद हमने ये निशान इस तरीके से 0.5 इंच नीचे को लेकर आना है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने 0.5 इंच नीचे को ले लिया, ये देखें। उसके बाद ये जो ये वाला निशान है, यहाँ से हमने 0.5 इंच में एक सूत कम रखना है ऊपर के लिए, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 0.5 इंच नीचे को रखा है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 इंच में एक सूत कम, ये देखें। तो अब देखिए हमने राउंड शेप कैसे बनाना है, ध्यान से देखें आप। तो देखें, इस तरीके से हम गोलाई बनाएंगे इसकी। हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लाकर मिलाया इस तरीके से। उसके बाद हम ये गोलाई यहाँ पर मिलाते हुए लेकर आएंगे, आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर को ले आएंगे इस तरीके से।
इस वाले निशान में मिला देना है। उसके बाद देखें हम यहाँ लाकर मिला देंगे, ये देखें। उसके बाद ये जो निशान दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए हमने ये जो क्रॉस मार्क लगाया है, इस क्रॉस मार्क के नीचे हमको आधा इंच में एक सूत कम रखना है नीचे के लिए, इस तरीके से, ये देखें। इस तरीके से हमने आधा इंच में एक सूत कम निशान लगा दिया है। तो ये जो हमने राउंड शेप बनाया है, ये हो गया फ्रंट सामने के लिए। अब हम बैक के लिए राउंड शेप बनाते हैं, तो ध्यान से देखते रहें वीडियो को। तो देखिए यहाँ से बराबर लाएंगे हम इस तरीके से, तो ये दोनों बाजू एक साथ कटिंग होंगे हमारे, यहाँ लाकर मिला देंगे इस तरीके से। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इस निशान से डेढ़ इंच बाहर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये हमारा मार्जिन सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये निशान हमने बाहर के लिए डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो ये हमारा लूज़ करने के लिए है, आप चाहें तो बाद में लूज़ भी कर सकते हैं बाजू को। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। देखिए तो दोस्तों वीडियो छोड़कर अभी बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए हमने बाहर वाले निशान से कटिंग की है, और ये जो अंदर वाला निशान है यहाँ से हमको सिलाई लगानी है इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से बाजू की मोहरी पर एक कट लगाएंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। जब हम सूट के लिए बाजू कटिंग कर रहे होते हैं, तब हमारे दो बाजू होते हैं, तो हम ऊपर वाले दो पार्ट पकड़ेंगे और नीचे वाले दो छोड़ देंगे। पर ये एक बाजू है, तो हमने एक ही पार्ट पकड़ लिया है। तो ये वाला जो निशान लगा है, ये वाला जो हमने पहले लगाया था, अब इससे हमको राउंड शेप बनाना है इस तरीके से, ये देखें। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट सही राउंड शेप बन गया है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत आसानी से परफेक्ट राउंड शेप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।